जो और ऐसी क्या मजबूरी थी कि भारत विरोधियों से मिलना जरूरी था। ये एक के बाद दूसरा ये जो चेहरा बेनकाब इनका गठबंधन का हो रहा है कि चुनाव के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाएंगे। मेरा दूसरा सवाल आपके माध्यम से विपक्ष के लिए रहेगा, अरविंद केजरीवाल जी रामलीला मैदान में एक रैली करते थे, आंदोलन करते थे और कहते थे भ्रष्ट कांग्रेस को हटाओ। फिर उन्होंने वहां पर कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। आज क्या है, पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में दबी हुई है, जिनके सहयोगी सारे भ्रष्ट हैं। कल तक कहते थे सोनिया गांधी जी को जेल में डालो, दो दिन इंटरोगेट करो, सब सच बाहर आएगा। आज उन्हीं से हाथ मिलाया। आप इनका पुराना वीडियो निकाल के दिखाइए ना, अरविंद केजरीवाल जी ने कितने वीडियोस में कहा, मैंने अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैंने बड़ा मकान नहीं लेना, मैंने सिक्योरिटी नहीं लेनी, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं लेना, वो सब है सब। लेकिन अब कहां पर, लेकिन क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो आराम से, जब आम आदमी पार्टी जब शुरू हो रही थी, जब आपने वो रामलीला मैदान की बात की, तो सिर्फ सोनिया गांधी नहीं, लालू जी, मुलायम, लेट मुलायम सिंह यादव जिनके सुपुत्र भी अखिलेश यादव भी वहां पे स्टेज पे थे, तो ये सारी पार्टी के जितने भी थे, फारूक अब्दुल्ला से लेके कन्नी मोई, 85% से 90% लोगों को अरविंद केजरीवाल जेल भेजना चाहते थे जब वो रामलीला मैदान में थे। और आयरनी ये है कि ये सारे लोग एक साथ इसलिए आए क्योंकि जो आदमी इनको जेल भेजना चाहता था वो आदमी खुद जेल में है। और ये लॉन्च कर रही, सोनिया गांधी लॉन्च कर रही थी, लिटरली लॉन्च कर रही थी मिसेस अरविंद केजरीवाल को, सुनीता केजरीवाल को। सुनीता केजरीवाल वॉज बींग लॉन्च फ्रॉम दैट पोडियम। ये मैं इसी पार्ट पे आने वाला था कि एक और तो भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा किया ही, परिवारवादियों को भी इकट्ठा किया। जो अरविंद केजरीवाल और इनके सांसद कभी लंबा लंबा भाषण देते थे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक गिनाते थे परिवारवादी पार्टियों को जी। आज उनकी अपनी पार्टी में राबड़ी देवी 2.0 लॉन्च करने की बात आनी शुरू हो गई। देखिए मैं इतना ही कहूंगा, क्या पूरी आम आदमी पार्टी में एक नेता नहीं बचा था अरविंद केजरीवाल जी का पत्र पढ़ने के लिए? पॉइंट एक। और वो पत्र पढ़ा, वो गारंटियां दी जो सबको चर्चा किए बिना ही अकेले ने कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए लोकतंत्र का मजाक और धज्जियां उड़ाना इन लोगों से सीखिए। लेकिन ऐश्वर्या जी, बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ा होती है कि जब मैं दिल्ली की जनता को ठगा हुआ महसूस करता हूं, क्या क्या उनको आश्वासन दिए थे, क्या क्या बड़ी बातें की थी, आज दिल्ली की जनता अपने आप को कहां सोचती है? उन्होंने विकास के नाम पर तो ठगा ही कि स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, फ्लांग करेंगे, कुछ नहीं किया। गंगा, इसको यमुना जी को साफ करेंगे, कुछ नहीं किया। वो तो झूठे ही वादे पड़े। लेकिन जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कही थी, आज कहां दबे हुए नजर आते हैं। जहां स्वराज की बात करते थे, आज वहां शराब की बात आती है, ये फर्क है। फ्री पानी से फ्री शराब तक तो पहुंच गए, लेकिन मैं आपका दुख समझता हूँ, बीजेपी की दिल्ली यूनिट का तो दुख समझता हूँ। नहीं, मेरा नहीं, दिल्ली की जनता का दुख है। नहीं नहीं, पर अगर इतना अगर दुख होता तो तीन बार बीजेपी की दिल्ली यूनिट, लोकसभा में आप प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे होता है पर खच्चे उड़ा देते हैं आप, आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद नहीं अभी तक दिल्ली से। लेकिन जब दिल्ली का इलेक्शन होता है तो बीजेपी एक नहीं, तीन तीन बार हारी है। देखिए पंजाब में भी आप थे, अकाली दल से आपका अलायंस टूटा उन्होंने, लेकिन वहां पे उनकी टक्कर कांग्रेस से थी। बट यू आर नॉट एबल टू गिव देम अ कॉम्पिटिशन, यू आर नॉट एबल टू स्टैंड अप अगेंस्ट देम। नाउ यू आर सेइंग, बट नाउ व्हाट द आम आदमी पार्टी लीडर्स मे और मे नॉट से ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा, ऑफ रिकॉर्ड दे डू मंबल, मतलब अनुराग जी, दैट बीजेपी इज अवेयर दैट आम आदमी पार्टी एक लीडर कंट्रोल्ड पार्टी थी। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे वो एक जैसे डिक्टेटरशिप या एक डिक्टैट होता ना, वैसे चलती है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल, कोई नेता ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा बोल सकता है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल डिसाइड करते थे वही होता था। नाउ दे आर लाइक अ हेडलेस चिकन, दे डोंट नो व्हाट टू डू। वो राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं है। और वो कह रहे हैं यही बीजेपी जानती है, इसीलिए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। नहीं तो संजय सिंह जो कल बाहर आए, ईडी ने उनकी बेल को अपोज भी नहीं किया। वो कह रहे हैं यही पॉइंट है, और वो इसी को एक प्रेसिडेंट बना के कह रहे हैं देखो ऐसे ही होगा सबके साथ, क्योंकि मेल ट्रेल नहीं है, सिर्फ ही सेड वर्सेस शी सेड है।
कुछ स्कैम है नहीं, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि देर इज नो लेकर स्कैम। अनुराग जी देखिए, कभी चोर ने माना है कि उसने चोरी की है? अब मुझे बताइए कौन चोर का तो पता नहीं, लेकिन कोई नेता नहीं मानता, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, कोई भी नेता नहीं, कोई भी नेता हो, कोई भी चोर हो, कोई भी भ्रष्ट हो, क्या उसने कहा कभी मैंने किया है? दूसरी बात, अगर ईडी गिरफ्तार करे तो ईडी खराब है, अगर ईडी बेल का विरोध ना करे तो आप चुप कर जाते हो। अरे भाई, हमने पहले भी कहा था, स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं जो अपने भ्रष्टाचार पर जांच करती है, कार्रवाई करती है। आपको 9 बार समन दिया गया, आप पेश होने नहीं गए, नहीं। लेकिन आप कांग्रेस के जमाने में कहते थे कि कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं करती है? आज अरविंद केजरीवाल जी वही करते हैं। मेरा ऐश्वर्या जी सवाल यह है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा कैसे होगा जी? पर आपको लगता है जनता सब समझ पा रही है, जनता देख पा रही है? जनता को दिख ही रहा है कि अगर मनीष अगर मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री भी जेल में है, तो ये ऐसे थोड़ी हुआ? 1.5 साल से जेल में है जी, और 1.5 साल से जेल में होने का मतलब है इनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, यहां पर सबूत है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, ट्रायल होगा, सजा भी होगी, वो एक समय लगता है, एक प्रक्रिया है, उसमें समा हो। एक तो हो गया मतलब अरविंद केजरीवाल जिनके बारे में आपने बात की, एक और विपक्ष की नेत्री है ममता बनर्जी, जो अपने स्टेट में पश्चिम बंगाल में बहुत स्ट्रांग है, अभी तक तो थी, बीजेपी ने पिछले जनरल इलेक्शन में वेन मारा, आपने वहां गए, आपने अपना काडर बनाया, कुछ नेता उनके लाए, कुछ नेता इनके लाए, सब जोड़ा आपने, सुवेंदु अधिकारी स्ट्रांग लीडर हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं। एक एपिसोड निकल के आया और उसने इसने रूंग कांप दी, संदेश काली का। संदेश काली में जब महिलाओं ने बताया कि महीनों से नहीं, सप्ताह से नहीं अनुराग जी, सालों से फॉर ईयर्स कंटिन्यूसली दे हैव बीन फिजिकली मोलेस्टेड एंड द वेट हैज बीन डन, हस्बैंड्स वर टोल्ड टू स्टैंड इन अ लाइन एंड देयर वाइव्स and their daughters in certain cases were told to sit right opposite to them. You are a parent, I am a parent, just imagine Anurag ji. The husbands were sitting and the wives and children were sitting right across them and the leader used to come and the husbands were told to send their wives in and then they were physically molested. And all of this was happening when you have a female chief minister, a lady chief minister of Bengal. And then when you act, they say there is nothing there, it's being sponsored by you. This, that seems to be an alibi for everything. Corruption se leke मोलेस्टेशन तक कुछ भी हो रहा है, और अगर उस पर कोई भी एजेंसी काम करती है तो वो बीजेपी करा रही है, ऐसे कैसे होगा देश में? वोट के लिए कोई कितना घिर सकता है, भ्रष्ट कोई कितना हो सकता है, या किसके अंदर मानवता ही खत्म हो जाए? नाम चाहे ममता हो, लेकिन ममता कहीं झलकती ना हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुराचार, ये जो संदेश खली में हुआ जी, इसने सबकी रूख, देखिए देश की गली गली में, घर घर में संदेश खली का एक संदेश गया है, एक महिला मुख्यमंत्री के नाक तले उसके ही लोगों ने दरिंदगी करके महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अपराध, बलात्कार किया है।